काफ़ी आप यहाँ पे आई, क्यों आप किस वजह से आई बुक फेयर में? मैं बुक पढ़ने आई हूँ और खरीदने भी आई हूँ। अच्छा, कौन सी बुक ली आपने? मैंने ये वाली बुक। अच्छा, तो आपका नाम? मेरा नाम अरीबा है। अरीबा कौन सी क्लास में? मैट्रिक क्लास में। आप कौन सी बुक लेने आई हैं? मैंने यहाँ पे बहुत सारी बुक्स ली, रहन सहन के आदाब लिए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और बहुत सारी बुक्स ली। मारिया, आपने यहाँ पे बुक परचेस की है? जी, मैंने बुक परचेस की है। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं मास्टर्स किया। मास्टर्स, तो आप क्या किस चीज़ में दिलचस्पी लेती हैं? मैं मेजॉरिटी मेरा जो है वो ज्योग्राफी है और SST वगैरह इन सब में, जैसे जो जनरल नॉलेज की जो बुक्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको आसानी से हर बुक मिल जाती है? जी हाँ, बहुत अच्छी है और बहुत कम प्राइजेज में मिलती है। अच्छा, तो ये हर साल होना चाहिए? होना चाहिए, और स्पेशली तब होना चाहिए जब स्टूडेंट्स के जो कोर्सेज होते हैं ना वो यहाँ से इजीली बाय कर सकें, जैसे नया सेशन कंप्लीट होना जो शुरू हो रहा होता है तब होना चाहिए। ये बुक फेयर हमेशा होना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए बुक्स आजकल पढ़ना एक हो गया है, तो ये साल में 2 दफ़ा तो होना ही चाहिए। हाँ, आपने बुक परचेज की है? जी जी, परचेज मैंने की है और मैंने अपनी बेबी के लिए ली हैं बुक्स तो। अच्छा। हाँ, असल में सेशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों का, मतलब तो अभी भी मिड टर्म हुए हैं तो इनको ऐसा करना चाहिए कि ये मतलब जब बच्चों का सेशन स्टार्ट होने स्टार्ट हो तो ये जब लगाना चाहिए बुक फेयर, ताकि हमें कम कीमत में यहाँ पे बुक्स बआसानी मिल जाएँ। मैं अभी भी आई हूँ, मुझे बुक अच्छी लगी और अभी मैं खरीदूँगी। अच्छा, तो ये बुक फेयर में आई हूँ तो यहाँ पे किस टाइप की बुक्स पसंद है? कौन सी क्लास में हो वैसे आप? 7 क्लास में। तो आप अपने कोर्सेज की किताब वगैरह लेना है, आपको कुछ नॉवेल्स पसंद है? जी बहुत पसंद है, अभी लूँ, खरीदूँगी बुक, और यहाँ जगह बहुत अच्छी है और मेरे कज़न आए थे तब मैं भी यहाँ पे आ गई तो वो जगह बहुत अच्छी लगी। बच्चों के कोर्सेज के लिए आए हैं और भी इसके अलावा यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं, बच्चों को दिखाने के लिए आए, ताकि इनको जो है अच्छा लगे, इनको महसूस हो, और जनरल नॉलेज की बुक्स वगैरह भी हम लेने के लिए आए हैं। हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? गुड गुड, सो व्हाट यू थिंक अबाउट द बुक्स? ग्रेट। डू यू लाइक रीड बुक्स? व्हाट रियली? इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी? फर्स्ट क्लास। एंड स्कूल? आई लिव फ्रॉम आइलैंड एंड माय स्कूल इज कॉल्ड डब्ल्यूएमएसएन नेशनल स्कूल। कैसा लग रहा है आपको बुक्स, इतनी सारी बुक्स देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? यस। कौन सी कोई अच्छी सी फेवरेट बुक है आपकी? जी। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो यहाँ से भी आपने कोई बुक ली है? जी। तो अभी आप उसको पढ़ेंगे या बस जाके रख देंगे? पढ़ेंगे। मान राशिद, कैसा लग रहा है इतनी सारी बुक्स देख के इस एग्जीबिशन में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप हमेशा आपके कोर्स पे 6 to 7 बुक्स होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, तो आपने देखी कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे मौजूद थी? बहुत सारी बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं, इंग्लिश उर्दू सारी बुक्स यहाँ पे। आपने कोई बुक खरीदी? नहीं, अभी तक के तो नहीं। अच्छा, तो आप क्या समझते हो बेटा इससे, अगर आप आए हो तो आपको कुछ सीखने को मिला? जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, इतनी सारी अलग अलग बुक्स होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे मॉरल और लेसन्स होते हैं। अच्छा, कोई से 2 कौमी शायर के नाम बताएं मुझे। अल्लामा इकबाल। तस्बीहा, कैसा लग रहा है आपको बुक एग्जीबिशन में आके? बहुत मज़ा आ रहा है और अभी हम बुक्स लेंगे बहुत सारी और बहुत इंजॉय करेंगे। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश, तो यहाँ पे आपने कोई इंग्लिश से रिलेटेड बुक देखी है अभी तक? यस। तो आपने ली नहीं अभी तक? पापा ने दिलाई नहीं? नो। क्यों नहीं दिलाया? आप पापा के पीछे लग गए कि मुझे चाहिए? अभी अभी हम लोग एंटर हुए, दैट्स व्हाई। मुनीजा, कैसा लग रहा है इतनी सारी बुक्स एक साथ देखकर, एक एक्सपो में देखकर, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं इससे जो एक्सपो सेंटर में लगाया गया है बुक फेयर, तो इससे कितनी नॉलेज मिलनी होगी, क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए, होते रहना चाहिए? जी, ऐसा होना चाहिए, बहुत हमें नॉलेज मिलती है इन बुक्स को पढ़कर। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। मुनीजा, मुझे जो है 2 कौमी शायर के नाम बताएं। 2 कौमी शायर के नाम? शायर। शायर? यस। शायर नहीं आते मुझे। शायर लाइक अल्लामा इकबाल हो गए। अल्लामा इकबाल और दूसरा भी भाई बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? चले, नहीं।